व्यासाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। वर्तमान मु नीतिवाणी पाठ को समस्त को स्वागत करुछि। मोर पिला माने एवं समाज रे अन्य लोकमानको मध्य स्वागत करुछि, कारण नीतिवाणी हेउछि समस्तक पई प्रजोज्य। तेणु नीति आदर्श मनीषटी होबापाई हेले आमको आदर्श मनीषटी होबापाई हेले किछि नीति नियम मानिबा पई पड़े। सेई सबुरु मो अनेकंक परामर्श क्रमे वर्तमान आज नीतिवाणी आरंभ करुछि। तेणु मोर विश्वास जे निश्चय ये वीडियो गुड़ी को देखी समाज किछि परिवर्तन हबो, मो पिला माने परिवर्तन हबे, ता छोड़ा अन्य माने जे अछंती पिलांक उपरे अभिभावक हुंतु बा केही बड़ भाई भौनी हुंतु बा साई पड़िसा रे केही भी जदे ए नीतिवाणी गुड़ी को सीरीयली वीडियो गुड़ी को देखते निश्चय समाज गोटे परिवर्तन आसीबो बा निजे परिवर्तन हेबे, निजे परिवर्तन हेले जे समाज परिवर्तन हेबो। से को लक्ष्य करी मुए नीतिवाणी टी को प्रस्तुति करुछि। तेणु आसंतु देखिबा नीतिवाणी रे कौन दौछ। नीति कहले कौन ना नियम, बाणी कहले कथा बा ओ आउ टिके कहियौ गले नियम कथा। नियम कथा कौन ना दैनंदिन जीवन रे बंचिबा पई हेले गोटे सुनागरिक होबा पई हेले भारत वर्ष रे बा उत्कल प्रदेश रे गोटे उत्तम मानव होबा पई हेले आमको निश्चय किछि नीति नियम देकरी गति करबा पई पड़िबो। जे पर्यंत आमे नीति नियम रे नाहू से पर्यंत आमे गोटे भल मनीष हे परबा नाही। मनीष होबा किंतु भल मनीष टिए हे परबा नाही। तथापि मो मतरे जे मनीष शब्दटा गोटे स्वतंत्र शब्द हुए तो समाज देखा जाउथिबा जो हाथ गोड़ आखि कान नाक बा मुंड ये सब थाइकिर जे आमे तंकु मनीष बोली कहिबा ताहा तो टिके मु भिन्न आड़ को नौछि। तंकु आमे लोक कहि परिबा कारण प्रत्येक शब्दर अर्थ गुड़िक भिन्न भिन्न बुझिपारल। तेणु मनीष कौन ना मनीष से कहिबा जो मानक पाखरे मनीषत्वर विकास घटे हला। जदि मनीषत्वर विकास हो पारुनी ताहले आमे हुए तो मनीष न कही पारु लोक कही पारु पिला कही पारु दादा खुड़ी बड़ापा एम सब भाई बंधु एम सब संबंध रे आमे बांधि रखी पारु। कारण समस्ते जे मो दादा मो खुड़ी मो बापा मो माँ मो भाई भौणी समस्ते जे मनीष हो जाइथिबे सेमिति किछि आमे कही पारिबा नाही। कारण साधारण ज्ञान रहिले मनीषत्वर विकास घटे आउ ए मनीषरे मनीष रूपी अर्थात ए हाथ गोड़ आखि कान पाई जो मनीष रूपी लोक माने सब अछंते मु कहिबे जे समानक मध्य रे ए समाज रे ए मनीष रूपी अछंते। तीनटा स्तर अछि हमर गोटे देवत्व गोटे मनीषत्व गोटे मनीष इतर हला। तेणु आमर कार्यक्रम को नहीं आमे जदि सुचारू रूपे नीति नियम रे ठीक ढंग रे
कार्य गुड़ी करी पारुचे ताहले निश्चय आमे मनीष पाखु जिवा जदि आउ टिके भल ताठु आउरी उत्तम व्यवहार उत्तम कथाबार्ता उत्तम चालीचरणी नीति नियम अनुसार आमे करुचे हुए तो सही मनीष रूपी मनीष मध्य भगवान सहित तुलना हो जाए भगवान को बा भगवान भली ये समाज रे पूजा पाए एवं जदि से मनीष रूपी मनीष किसी कदर्च कार्य लिप्त रहे नीति नियमर बाहर रहे हला ताहले हुए तो मनीष इतर प्राणी भी हो जाए तेणु ताहले आमे पसंद करिवा कोटा सेटा आम उपर ही निर्भर करे आमे मनीष इतर हवा ना मनीष हवा ना भगवान हवा आपण मैंने तो समस्ते देखिपे जे यही मनीष रूपी भगवान मध्य अच्छा जदि पुराण खेल इतिहास खेल अनेक लोक एमें पूजा करुचे हला आमे अनेक लोक एवं पूजा करुचे मनीष रूपी कहीं पूजा करुचे ना ताकि सेने बोधे जमी ईश्वर संतान हो आसी समाज किसी मंगल कार्य कर समाज किसी उपकार करें से भूली पारुनु ताकि देवता भाई पूजा करुचु से तो देवत्व लाभ कर सारी है तेणु जो मैंने से भाई करमें तुम कौन करवा कौन अतीन्द्रिय जाकि देवत्व लाभ न कर ता माने ता तळकु रही गले मनीष आउ मनीष रूप रे मध्य जे मनीषर कार्य को संपादन न करि पारुचे ताहले आमे ताकु मनीष इतर मध्य कहि परिबा देखंतु से विचार आपण मानकर तेणु देखंतु नीतिवाणी हला कोन कहिले नीतिवाणी रे आगे देखिबा कोन सेथरे सब लेखा अछि कहले सकल प्राणी सु मानव श्रेष्ठ ह तथापि समाज सदा शांति ही न परिलक्षते तत्र कारण मतावत मानवस्य लोभ मोह अविवेकिता चापि महापुरुषाः मानव समाजस्य दोषम दृष्ट्वा तेषां दूरीकरणार्थं नीतिवाक्यानि रचयन्ति तानि नीतिवाक्यानि रत्नसदृशानि भवन्ति संस्कृत नीतिकारेषु चाणक्य भर्तुहरि मनु व्यास वाल्मीकि कामांदक पराशर शंकर प्रभृतयः प्रसिद्धाः तैः रचितेभ्यः नीति रत्नेभ्यः कानिचित् अत्र संगृहीतानि तानि अस्माकं अज्ञान अंधकार दूरीकरणाय प्रदीपाहायव विभान्ति बुझिले बंधुगण देखंतु सकल प्राणीसु मानवः श्रेष्ठः सकल प्राणीसु मानवः श्रेष्ठः हला सकल कहले समस्त प्राणी मानक मध्यरे मनीष होचि श्रेष्ठ तथापि हला कौन है ना तथापि समाज सदा शांति ही न परिलक्षते हला न परिलक्षते बुझेला कौन कहले समस्त प्राणी मानक मध्यरे मनीष होची भगवान जेतेबेले सृष्टि कले समस्त जीवजंतु कीटपतंग सबकिछि वृक्ष लता सबकिछि सृष्टि कले थरे निजुकु से स्टेज को लेकिन चिंता करंतु किंतु समस्त सृष्टि करि सारिबा परे सृष्टिकर्ता चिंता कले जे एमिति गोटे जीव मु सृष्टि करी जहाँ को कि सबु किछि दे देबी हला काहेकि ना जेमती घर टे करचे तार रक्षणाबेक्षण दायित्व मध्य जणे के मालिक थाए से तार दायित्व निए ठीक से ये सृष्टिर दायित्व नेबापाई बोध हुए भगवान सृष्टिकर्ता चिंता कले जे मनीष जदि मु सृष्टि करी ताहले
कौन कर से सारा सृष्टिर मंगल करने सहित मोर मध्य प्रशंसा कर सृष्टि कले मनीष एवं मनीष को मध्य सबकि हाथ कान आखि नाक बुद्धि विद्या है कौन नदे मनीष को किंतु सबू पाइबापर भी ये मनीष जमा निजर से आखि कान हाथ गोड़ आजर शरीर को केवल सजेवाई भल पाए कि लोक अच्छा निज को सजेवाई भल पाते किंतु ये मूल्यवान जिनस जे दे तार प्रशंसा से दिने भी करूना बर से कमी अन्य मानक द्वारा आकर्षित हेब से केवल शरीर को सजाई थाए है कौन कहले ना नीतिकार मान कौन समस्त प्राणी मानक मनीष हूँ श्रेष्ठ तथापि समाज सदा शांति ही न परिलक्षते समाज रे सबुबले शांति देखा जाऊ ना देखा जाए ना कारण कौन चालक जदि मु कह सृष्टिकर्ता जो समस्त सृष्टि कर सारापर शेष मनीष टे सृष्टि कला कहीं सृष्टिर मंगलपाई सृष्टिर रक्षणाबेक्षण एवं सृष्टिकर्ता को प्रशंसा करने जा हाउ भगवान मते भल हाथ दे भल गोड़ दे भल आखि दे भल बुद्धि विद्या दे तेणु मुमी या काम लगे कि तथापि तार ये अबुझापाई समाज रे शांति देखा जाए ना तत्र कारणम है से ही कारण तावत मानवश्य है ये जो कारण रहिला ये कारण कौन ना तावत मानवश्य मनीषर कहीं सब देखा जाऊना समाज रे शांति देखा जाऊना ना मनीषर तीनोटी जिनस रही जो तीन टा जिनस को निज मन त्याग कर पारना बोली समाज रे शांति देखा जाऊना से तीनोटी कौन ना लोभ मोह अविवेकिता च अपि हला कौन हला तत्र कारणम कौन ना तावत ताहा मानवर हला लोभ मोह अविवेकिता च अपि हला अविवेकिता च अपि मनीषर ये तीनोटी जिनिष गोटे हला लोभ गोटे हला मोह आ गोटे हला अविवेकिता विचार शून्यता है बुद्धि बेक देकरी जदि आम विचार कर न शिखा तो केवल अबाट को जीवा ही श्रेय हम जदि भगवान बुद्धि विद्या सबकि दवापर विचार शक्ति दवापर जदि मु विचार न करी है आम अविवेकी कहीं जार बेक ना है अविवेकी कह तेणु ये सबुगुड़िक भगवान आमको दे तथापि आम कम लगे समाज शांति रक्षा करना तेणु महान पुरुष महापुरुष है ते महापुरुष है महापुरुष मान कौन मानव समाज मानव समाजस्य मानव समाजर दोषम दृष्टुआ है दृजुक्त त्वाच प्रत्यय है दोष को देखी तेसाम से ही दोष गुड़िकर दूरीकरणार्थम दूरीकरणाय एदम दूरीकरणार्थम दूरीकरण पाई दूर करिबा पाई नीति वाक्यानी नीति वाक्यानी रचयंती ताहले कौन हला ना महापुरुष माने ये मानव समाजर दोष को देखी हला तेसाम दूरीकरणार्थम से दोष गुड़ी दूर करिबा पाई हला नीति वाक्यानी रचयंती अनेक गुड़िए नीति वाक्य रचना करी जाइछंती बंधु माने देखंतु
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ମୁଁ କେମିତିକା ମଣିଷଟିଏ ହେବି ତାହା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ 5000 ବର୍ଷ ପରେ 3000 ବର୍ଷ ପରେ ବା କାଲି କ'ଣ ହେବ ସେମାନେ ସେମିତି ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ ବୋଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସମାଜକୁ ସମାଜରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବିପଥଗାମୀ ଜନକୁ ସୁପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନୀତିକାରମାନେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ନା କିଛି ନୀତି ଶ୍ଳୋକ ନୀତି ବାକ୍ୟ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି କେବଳ ଏଇ ସମାଜକୁ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମାଜର। ତାନି ନୀତି ବାକ୍ୟାନି ରତ୍ନ ସଦୃଶାନି ଭବନ୍ତି ତାନି ସେହି ନୀତି ବାକ୍ୟାନି ନୀତି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରତ୍ନ ସଦୃଶାନି ରତ୍ନ ସଦୃଶାନି ରତ୍ନ ଭଳି ଭବନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ନୀତିବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେ ନୀତିବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ନା ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଚକ୍ ଚକ୍ କରେ ହେଲା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣିଛ ସବୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ମିଳେ ସେଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ ରତ୍ନାକର ହେଲା ରତ୍ନକୁ ସେ ରତ୍ନର ଭଣ୍ଡା ସମୁଦ୍ର ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଲୁଣା ପାଣିରେ ଭରପୁର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଅନେକ ରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ତେଣୁ ରତ୍ନାକର ଆମେ ତାକୁ କହୁ। ସେ ରତ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କେମିତି ପାଇଥାଉ ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ଆସିକରି ବାଲୁକାରେ ଯେଉଁ ତଟ ପ୍ରଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ଚକ୍ କରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ଏବଂ ତାକୁ ଆଣିକରି ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ ହେଲା। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ନୀତି ଶ୍ଳୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ମହାପୁରୁଷମାନେ ନୀତିକାରମାନେ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ରତ୍ନ ସଦୃଶ ହେଲା ରତ୍ନ ଭଳି ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସେହି ନୀତି ନିୟମରେ ଚାଲିବା ଆମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯିବା ଯେମିତି ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମର ଜାଣିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଭଲମନ୍ଦ ପାଇଁ ସବୁ ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ବା ଧନ ଦୌଲତର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେ ରତ୍ନ ଭଳି ନୀତି ଶ୍ଳୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଭିତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ହେଲା। କ'ଣ କହିଛେ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଥିଲା ଯେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନୀତିକାରମାନେ ନା କଣ୍ଠସ୍ୟ ଭୂଷଣମ୍ ସତ୍ୟମ୍ ହେଲା କଣ୍ଠସ୍ୟ ଭୂଷଣମ୍ ସତ୍ୟମ୍ କର୍ଣ୍ଣ ସ୍ରୋତ୍ରସ୍ୟ ଭୂଷଣମ୍ ସ୍ରୋତସ୍ୟ ମାନେ କର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ଭୂଷଣମ୍ ଶ୍ରୁତି ହେଲା ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ନ କୁଣ୍ଡଳମ୍ ହେଲା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲେ କ'ଣ ନା କର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ଭୂଷଣମ୍ ଶ୍ରୁତମ୍ ଶ୍ରୁତି ଶ୍ରୁତି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଶୁଣିବା ଭଲ କଥା ଶୁଣିବା ନ କୁଣ୍ଡଳମ୍ ଯେ କ'ଣ କାନ ଫୁଲ ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରିକିରି କର୍ଣ୍ଣର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ହେଲା ନ କୁଣ୍ଡଳମ୍ ହସ୍ତସ୍ୟ ଭୂଷଣମ୍ ଦାନମ୍ ହାତ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ହେବ ନା ଯଦି ଆମେ ଦାନ ଦୈନିକ କରୁଛେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ସେହିଭଳି କଣ୍ଠ କେମିତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନା ନ ହାରମ୍ ହେଲା ହାର ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଠର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନା ସତ୍ୟ କହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କଣ୍ଠର କ'ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ନୀତିବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ମଧ୍ୟ ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଅନ୍ତଃ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ।
तेणु संस्कृत नीतिकारे सु हला से जो रत्न सदृश नीतिवाणी गुड़ी लिखि जाइछन्ते से संस्कृत नीतिकार मानक मध्यरे संस्कृत नीतिकारे सु हला संस्कृत नीतिकार मानक मध्यरे किए सब अच्छा ना चाणक्य भर्तृहरि हला मनु व्यास वाल्मीकि कामांदक हला कामांदक पराशर हला आउ शंकर प्रभुते हला शंकर प्रभुतय प्रसिद्धा ताले से जो नीति श्लोक गुड़िक किए सब रचना करछन्ते ना अनेक नीतिकार आसन्ते अनेक नीतिकार अछन्ते किंतु से मानक मध्य रे मुख्यतः जो नीति वाणी रे जेतिकी दिया जाइछि सेई मानक मध्य रे के एई मानकर के मानकर ए चाणक्य भर्तृहरि मनु व्यास वाल्मीकि कामंदक पराशर शंकर प्रभुति कर किछि नीति श्लोक एठारे आमे कौन करिबा ना बुझाइबा हला तैहि रचितेभ्य नीतिरत्नेभ्य तैहि से ही नीति वाक्य द्वारा हला से नीति वाक्य गुड़िक द्वारा एटा कूतरे ना सतौते तम तौता न तेनताभ्यम तैहि तृतीय बहुवचन रही से ही नीति रत्न सदृश वाक्यानी जो कहते वाक्य गुड़िक द्वारा रचितेभ्य नीतिरत्नेभ्य तई से ही मानक द्वारा के मानक द्वारा यही नीतिकार मानक द्वारा रचितेभ्य रचना करा जाइथिबा हला नीतिरत्नेभ्य नीतिरत्न गुड़िक हला कानिचित अत्र संग्रहितानि केते गुड़िए कानिचित अत्र संग्रहितानि एठारे संग्रह करी दिया जाय अछि हला तानि से गुड़िक हला अस्माकम आम्भ मानंकर अस्माकम आम्भ मानंकर अज्ञान अंधकार दूरीकरणाय अज्ञान रूपक अंधकार को दूर करिबा पाएं अंधकार को दूर करिबा पाएं दूरीकरणाय प्रदीपाहा इव विभान्ति हला ताहले कौन हेछि तानि नीति वाक्यानि एही नीति वाक्य गुड़िक अस्माकम आम मानंकर अज्ञान अंधकार दूरीकरणाय हला अज्ञान रूपक अंधकार को दूर करी आलोक रूपक पथ को परिष्कार करिबा पाई प्रदीपा हाइब विभान्ति जेमती अंधार रे आमे टॉर्च लाइट व्यवहार करथौ बा पिले माने देखिथिव जानि नथिव घरे पचारि नव बापा बा जेज माँ मानू पचारि नब एबे सिना विद्युत आसीगला बा टॉर्च मिल जाउची आगे सब लंठन थिला बा अंधारे जेतेबेले जाउथिले आकाश रे जदि चंद्र रहउथिला ताहले रास्ता परिष्कार देखाउथिला जाउथिले नहले एमेति कि जेतेबेले राति रे उठुथिले दिग निर्णय करबा पई कोनोसी जेतेबेले केही बाटोइटिए आसु आसु राति हेइगला तेणु से कौन करूला दिग निर्णय केमी करूला ना आकाशर जो तारका माने रहिले चंद्र रहिले सही मानू देखिकी से दिग स्थिर करी ता घर पाख को पल जाऊला बुझिपाल तेणु अर्थात आम कौन देखिले ना ये जो ज्योतिष गुड़िक अच्छा आकाशे हला से जमी उज्जवल आलोक दौंते चंद्र जमी उज्जवल आलोक दिए जहाद्वारा कि आम रास्ता पाई जाई थे प्रकृतरे मो घर पाख को कौ रास्त गले मुझे पहुँची पारि ताथिर करदे था स्थिर करू ठीक से ही नीति श्लोक गुड़ी आम जदि दैनंदिन जीवन रे
ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବାସ୍ତବରେ ତା'ର ଅର୍ଥଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଏବଂ ତାକୁ କାମେ ଲଗାଇବା, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କହିବି ଆମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହୋଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଇ ନୀତିବାକ୍ୟଟାକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ପରେ ଆମେ ଶ୍ଳୋକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବା ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ରହିଲା। ରଖୁଛି।